लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए बड़ी बहस जारी है। दरअसल लोकसभा की डिप्टी स्पीकर पद के लिए यूपी की अयोध्या सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम की नगरी से दलित समाज के एक ऐसे नेता जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं और वहाँ की जनता ने उन्हें जुटाकर सांसद बनाया है। भाजपा के लोगों को उन्हें कम से कम डिप्टी स्पीकर बनाना ही चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले संघ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दलित का बेटा मोदी जी से बड़ी कुर्सी पर उनके सामने बैठ जाए। टीएमसी की मांग जायज है, लेकिन देखना होगा भाजपा वाले इसको कितना मानेंगे। अवधेश प्रसाद ने समर्थन करने वाले दलों को धन्यवाद कहा। उनका कहना है, आदरणीय दल के नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जब अवधेश से पूछा गया उन्हें किन किन विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की उम्मीदें हैं, उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव पर निर्भर करता है। दरअसल इसी बीच एक और खबर आई थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, लेकिन माना जाता है अवधेश प्रसाद बीजेपी सरकार के लिए कठिन प्रस्ताव है, क्योंकि सपा सांसद ने अयोध्या फैजाबाद सीट से जीत हासिल की। वही ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का प्रस्ताव रखा था, जबकि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती थी। फैजाबाद सीट से सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के विधायक थे। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी लोगों में से उनका नाम लिया जाता था। राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता पार्टी से की थी। 1977 में पहली बार अयोध्या जनपद की सुहावल विधानसभा से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के काफी पुराने और खास वफादार हैं। डिप्टी स्पीकर का पद भी उतना ही अहम है जितना स्पीकर का। संविधान का अनुच्छेद 95 कहता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम तब संभालता है जब वो पद खाली हो गया हो या फिर वो गैर मौजूद हो। अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, स्पीकर भी मौजूद नहीं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त लोकसभा सांसद सदन की कार्यवाही संभालता है। संविधान ने डिप्टी स्पीकर को भी वही शक्तियां दी हैं जो कि स्पीकर को दी हैं। स्पीकर पद के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। ममता बनर्जी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये बहस आगे कितनी जाती है, किसको ये पद मिलता है।